चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रोज के बोलचाल में प्रेपोजिशंस को यूज करना है। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आपको यूज करना आना चाहिए। बच्चे अक्सर इन वर्ड्स को यूज करते समय गलतियां करते हैं। देखिए, प्रेपोजिशंस मतलब कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन ये एक्चुअल में अगर कहा जाए तो वर्ड्स है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं प्रेपोजिशंस के, एक वीडियो में एक क्लास में बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए प्रेपोजिशंस के कॉन्सेप्ट्स को, प्रेपोजिशंस के क्लासेस को मैंने तीन भागों में डिवाइड किया है, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एट, इन, इनटू और ऑन को यूज करोगे, और बाकी जो बचे हुए वर्ड्स हैं वो मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप समझिए कि एट का आपको यूज कब करना है। ठीक है, देखिए एट का यूज करिए आप टाइम बताने के लिए। आपको बोलना है 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो एट का यूज कीजिए। मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ, आई वेक अप एट 6 o'clock, आई वेक अप एट 7 o'clock, आई वेक अप एट 4 o'clock, 5 o'clock। ठीक है, आपको कहना है, मतलब टाइम बताने के लिए आपको एट का यूज करना है। लेकिन कई बार जैसे कि मुझे कहना पड़ जाता है या हमें कहना पड़ जाता है कि मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ, तो हम ऐसे कहेंगे आई वेक अप एट 6 in the morning। तो आपने यहाँ पर देखा मॉर्निंग के साथ में इन का यूज हुआ। ठीक है, तो आपको माइंड में भी सेव करना है। एट का यूज करेंगे आप नंबर ऑफ टाइम, मतलब जब आपको टाइम मतलब डिजिट में बताना हो तो एट का यूज करेंगे उसके साथ में, और जब पीरियड में बताना हो तो इन का यूज करेंगे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। लेकिन जब नाइट आ जाए तो आपको एट का यूज करना है, और नून आ जाए तो आपको एट का यूज करना है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, मैं कल रात को 9 बजे घर पहुंचा, आई रीच्ड माई होम एट 9 yesterday, आई रीच्ड माई होम एट 9 o'clock कह लीजिए, या 9 PM yesterday। ठीक है, आपने क्या देखा, नंबर के साथ में एट का यूज करना। ठीक है, ये गलती से भी इसको स्किप नहीं करना, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको प्लेस के साथ में एट और इन को यूज करना है। छोटी जगह के साथ में एट, बड़ी जगहों के साथ में इन। जैसे मैं लक्ष्मी नगर दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव एट लक्ष्मी नगर इन दिल्ली, आई लिव एट लक्ष्मी नगर इन दिल्ली। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, लक्ष्मी नगर के साथ मैंने एट का यूज़ किया और दिल्ली के साथ मैंने इन का यूज़ किया। लक्ष्मी नगर दिल्ली की तुलना में छोटा है और दिल्ली बहुत बड़ी है, इसलिए छोटी जगह के साथ में एट और बड़ी जगह के साथ में आपको इन का यूज़ करना है। अब मैं आपको कहूँ कि लाल किला चांदनी चौक दिल्ली में है, ठीक है, तो मैं कहूँगा द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड एट चांदनी चौक इन दिल्ली। अब चांदनी चौक छोटा है दिल्ली की तुलना में, ठीक है, तो चांदनी चौक के साथ में एट और दिल्ली के साथ में मैंने यहाँ पर इन का यूज किया। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं जिनमें से कुछ के साथ में एट का यूज करना है, कुछ के साथ में इन का यूज करना है। जैसे स्कूल के साथ में आपको एट का यूज करना है, होम के साथ में आपको एट का यूज करना है, ठीक है, हॉस्पिटल के साथ में आपको इन का यूज करना है, मार्केट के साथ में आपको इन का यूज करना है। ठीक है, आई एम एट होम, आई एम एट स्कूल, आई एम इन द हॉस्पिटल, आई एम इन द मार्केट। ठीक है, अच्छा, आप अगर ट्रेन में हो, आप अगर फ्लाइट में हो तो आपको बोलना है आई एम इन द फ्लाइट, आई एम इन द ट्रेन। और ज़्यादा आपको कुछ समझ में ना आए तो जो मर्जी लगाना लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बाप का भाषा नहीं है इंग्लिश। ठीक है, आसान भाषा में बोलूँ तो दूसरों की भाषा है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एट इन के चक्कर में नहीं फंसना है, लेकिन पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो, और पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें, ज़्यादा टेंशन मत लेना, शुरुआत है, बिगनिंग स्टेज है, जो मर्जी लगाना लगा दो, एट लगा दो, इन लगा दो, जो मन करे लगा दो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लिखते समय ध्यान रखना है, इसके लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा, और एट इन का बढ़िया तरीके से यूज समझने के लिए मैं बताऊंगा रीडिंग कर। रीडिंग रीडिंग कैसे करोगे, तुम यू कैन विन बुक ले लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, बार बार मैंने रेकमेंड किया यू कैन विन, यू कैन विन, यू कैन विन, क्योंकि इसमें बढ़िया माइंडसेट भी तुम्हारा बनेगा इस बुक को पढ़ने के बाद, और इंग्लिश के सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा, माइंडसेट बढ़िया और इंग्लिश में भी तुमको मदद मिलेंगी। ठीक है, तो अपनी भाषा नहीं है इंग्लिश, इसलिए ज़्यादा इसमें टेंशन मत लो। ठीक है भैया, बोलने लायक इंग्लिश को बना लो अपना और आगे बढ़ो। चलो अब मैं आपको और बताता हूँ कि एट का यूज़ कैसे करते हैं एज को बताने के लिए। भाई एट द एज ऑफ 60, एट द एज ऑफ 50, एट द एज ऑफ 30, ठीक है, मतलब एज के साथ में आप इस तरीके से बता सकते हो। जैसे रोहित चाचा को 65 साल की उम्र में जॉब मिली, रोहित चाचा गॉट द जॉब एट द एज ऑफ 65। मोहन सिंह की शादी हुई 70 साल की उम्र में, मोहन सिंह गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 70। उसने 10 साल की उम्र में अपने पिताजी को खो दिया, ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 10। उसकी पहली जॉब 18 साल की उम्र में लग गई थी, ही गॉट हिज फर्स्ट जॉब एट द एज ऑफ 18। ठीक है, तो इस तरीके से एट का यूज आपको करना है।
क्या बताने के लिए? एज बताने के लिए, ठीक है। अब आइए फेस्टिवल के साथ भी आपको एट का ही यूज करना है, चाहे दिवाली हो या ईद हो या होली हो या छठ पूजा हो या क्रिसमस हो, कोई भी फेस्टिवल हो उसके साथ में आपको एट का यूज करना। जैसे मेरे चाचा जी मिठाइयाँ बांटते हैं, माई चाचा जी डिस्ट्रीब्यूट्स स्वीट्स। एट ईद दिवाली होली छठ पूजा जो भी फेस्टिवल हो आप यूज करो उसके साथ में एट, ठीक है। अच्छा, कई बार फेस्टिवल के साथ में आपको ईव या ओकेजन देखने को मिलता है लगा हुआ, तो आपको उनके साथ में एट का यूज़ करना नहीं है, ऑन का यूज़ करना। जैसे मेरे चाचा जी ने एक कार खरीदी दिवाली के पहले वाले शाम में, मतलब यहाँ पर ईव वर्ड का यूज़ होगा या ओकेजन वर्ड का यहाँ पर आपको यूज़ करना है। माई चाचा जी बॉट अ न्यू कार ऑन द ईव ऑफ दिवाली या ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए एक और एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आपको एट, इन और ऑन तीनों वर्ड को यूज करना पड़ सकता है एक ही सेंटेंस में। जैसे रोहित का जन्म सुबह 10 बजे मंगलवार के दिन 10 मई 2010 को हुआ। फिर से समझो मेरी बात को, रोहित का जन्म सुबह 10 बजे मंगलवार के दिन 10 मई 2010 को हुआ। रोहित वॉज बोर्न एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन ट्यूजडे ऑन 10 मई 2010, ठीक है। आपने क्या देखा यहाँ पर, 10 o'clock के साथ में मैंने यहाँ पर एट का यूज़ किया, लेकिन मॉर्निंग के साथ में इन का यूज़ किया, ट्यूसडे के साथ में ऑन का यूज़ किया और 10 मई 2010 के साथ में मैंने ऑन का यूज़ किया, ठीक है। और नेम ऑफ डेज आ जाए, चाहे ट्यूसडे हो या वेंसडे हो या थर्सडे हो या फ्राइडे हो या सैटरडे हो या संडे हो, आपको उसके साथ में ऑन का यूज़ करना है। और डेट जब भी बताओगे आप, चाहे 10 मई हो या 20 मई हो या 15 जनवरी हो या आपको 10 फरवरी हो या फिर 20 अप्रैल हो या फिर 30 जून हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ में आपको क्या करना, ऑन का यूज़ करना है डेट बताते समय। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, कई बार ऊपर जैसे कि मान लीजिए टेबल रखा हुआ, आप कोई बच्चा आया टेबल पर बैग रख दिया तो आपको वहाँ पर ऑन का यूज़ करना है ऊपर के लिए, ठीक है। जैसे रोहित पुट द बैग ऑन द टेबल, रोहित पुट द बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है। आई होप कि आपको एट और इन का यूज समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इन और इनटू का आप कैसे यूज करोगे रोज की बोलचाल में। देखिए दोनों का मतलब होता में, बस एक में ठहराव को बताया जाता है, दूसरे में गतिशीलता को बताया जाता है। क्या मतलब होता है इसका, जरा ध्यान से समझिए। ये मेरा जेब है, मैं अपने जेब में 10 रुपये रख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो पैसे उठाया और जेब में रखा, तो मैं बोलूँगा आई एम पुटिंग 10 रुपीज इंटू माई पॉकेट, यहाँ पर इंटू वर्ड का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे जेब में पहले से ही 10 रुपये, तो मैं बोलूँगा आई हैव 10 रुपीज इन माई पॉकेट, ठीक है। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रोहित नदी में तैर रहा है, रोहित इज स्विमिंग इन द रिवर, रोहित इज स्विमिंग इन द रिवर, यहाँ पर मैंने इन का यूज़ किया, रोहित नदी में है और वो तैर रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, राहुल जम्प्ड इनटू द रिवर, अब यहाँ पे जो राहुल है ये तैर नहीं रहा, ये कूदा है, कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, मूवमेंट दिख रहा है, बात समझ में आ रही है आपको, मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको इन और इनटू को यूज़ करना है और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको चीज़ों को समझना है और जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ आपको, बुक पढ़िए, क्योंकि आप बुक पढ़ेंगे तो रीडिंग स्किल डेवलप होगी और जब बुक पढ़ते हो तो एक चैप्टर में आपको ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ देखने को मिलता है और जहां आप टेंसेज मोडल्स प्रीपोजिशंस उसके बाद कंजंक्शंस सारे वर्ड्स आप एक साथ देख सकते हो कि किस तरीके से उसको यूज़ करके पैराग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। तो बुक जरूर पढ़िएगा, यू कैन विन, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आए होंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, वापस वही सजेशन दूंगा जो पहले देता था, पीछे की सारी क्लासेस को अटेंड करो। आगे प्रीपोजिशंस की 2 क्लासेस अभी और आएंगी, बहुत ज़बरदस्त दोनों क्लासेस है, मिस मत करना। हर दिन रात को 1 घंटा तो निकाल लो, 1 क्लास रोज अटेंड करना। इस गलत फहमी में मत रहना कि तुझे आता है, क्योंकि इंग्लिश के ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं ना, ये आपको लगेगा कि आता है लेकिन सच बताऊं जब आप स्पीकिंग करोगे तो उस समय माइंड से निकल जाएगा, जब आप राइटिंग करोगे तो उस समय माइंड से निकल जाएगा। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है और बहुत बार अटेंड करके आपको अपना फाउंडेशन को बिल्ड करना पड़ता है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कमेंट करके मुझे बताइए अगर कोई भी आपके मन में डाउट्स होगा तो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।